बैतूल जिले में टमाटर उत्पादक किसान इन दिनों केवल और केवल नुकसान झेल रहे हैं। बंपर उत्पादन, स्टोरेज सुविधाओं का अभाव, जिले के बाहर मंडियों में मांग की कमी के चलते ऐसे हालात बन गए हैं कि मजबूरी में किसान टमाटर की फसल खेतों में ही नष्ट कर रहे हैं या फिर इन टमाटरों से बंदर अपना पेट भर रहे हैं। बैजही ब्लॉक के किसान प्रवीण धोटे ने हर साल की तरह इस साल भी बड़े रकबे में टमाटर लगाए थे। उन्हें उम्मीद थी कि अच्छे दाम मिलने से उन्हें मुनाफा होगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। मंडियों से टमाटर की मांग नहीं आ रही है, जिससे टमाटर खेतों में लगे सड़ रहे हैं। किसान को इतना भी दाम नहीं मिल रहा कि वो खेतों से टमाटर को तोड़ सके, इसलिए प्रवीण सहित दूसरे किसान ने भी खेतों में लगे टमाटर के हल पर रोटावेटर चला दिए हैं। हम टमाटर लेकर मंडी गए थे विक्रय करने के लिए, तो वहाँ हमारा टमाटर इन्हें विक्रय नहीं है, बिका नहीं है वहाँ टमाटर। तो मंडी द्वारा हमें किया गया कि आप इसे एक तो बाहर फेंके दीजिए या कहीं और ले पहुँचाइए। तो रेट नहीं रखा रहने के कारण हमें उसको यही उचित समझा कि इसको जैसे आप जैसे जंगल में छोड़ दिया जाए, तो कम से कम जैसे कुछ भी खा लेंगे, जैसे बंदर हो गए, उस हिसाब से हमने सोचा उसके बारे में। कितना नुकसान हुआ है आपको लगभग? समथिंग 4 से 5 लाख समथिंग हुआ है नुकसान। नुकसान हुआ है? हाँ। कितने क्या जो टमाटर की खेती, कितने एकड़ में आपने खेती की थी? समथिंग 4 से 5 एकड़ में टमाटर था। अच्छा, हाँ। तो नुकसान इस बार उठाना पड़ रहा है आपको? हाँ, नुकसान पूरा पर हमें उठाना। मंडी में लोग क्या बोल रहे हैं? मंडी में यानी कोई जैसे टमाटर खरीदने को तैयार ही नहीं है, जैसे सामने वाला जैसे व्यापार जैसे दलाल है वो बोल रहा है कि हम टमाटर बेच नहीं रहे, यानी बिक ही नहीं रहा तो बेचेंगे कहाँ से, बोले हिसाब से कोई यानी खरीदार भी नहीं मिल रहा है और यहाँ से कोई यानी जगह से कोई उठाने वाला टमाटर नहीं है। क्या लग रहा है स्थिति, किस तरह से स्थिति हो गई किसान की? स्थिति तो बहुत ही गंभीर है, इसमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता है कि क्या करे इंसान। अभी मार्केट में वर्तमान समय जो टमाटर क्या किलो बिक रहा है? वर्तमान समय में अभी जैसे 20-30 रुपये कैरेट बिक रहा है, तो पर केजी 1 रुपये से 2 रुपये किलो। अच्छा, तो उसमें जैसे लेबर पेमेंट भी नहीं निकल पा रहा है, जैसे लेबर पेमेंट पर कैरेट का अपने को पड़ता है 15 से 20 रुपये कैरेट, तो उसमें तुड़वाई भी नहीं निकल पा रही, तो भाड़ा तो दूर की बात है। नुकसान हुआ है काफ़ी इस बार? नुकसान काफ़ी हुआ है, समझ लीजिए नुकसान पूरा पूरा ही हुआ है। टमाटर नष्ट करने के अलावा कई किसानों ने टमाटर तोड़कर ट्रकों में भरे और जंगल में ले जाकर फेंक दिए, जहां बंदर और दूसरे जीव जंतु टमाटरों की दावत उड़ा रहे हैं। बंपर उत्पादन के बावजूद बैतूल और जिले के बाहर की मंडियों से भी टमाटर की मांग नहीं आ रही, जिससे मंडियों में टमाटर के दाम 20 रुपये प्रति कैरेट तक आ चुके हैं। देखो टमाटर का कैसा है, टमाटर के उठाव खत्म हो गए अभी। जितनी जो अपने मंडियाँ चलती थी, होशंगाबाद है, बैतूल है, भोपाल है, ये मंडियों में माल नहीं बिक रहा। दूसरी चीज़ क्या है कि किसान को 20 रुपये कैरेट की तो तोड़वा ही है, 20 रुपये कैरेट लगता है उनको तोड़ने का। अब मंडी में जाके अगर अपन भोपाल भी अगर माल बेच रहे हैं, तो हम खुद भी माल ले लेते थे मंडी से कभी जभी और भिजवाते थे, तो हमको जो है 20 रुपये कैरेट के पैसे नहीं आ रहे, किसान को भी नहीं आ रहे। तो अभी वर्तमान में ये स्थिति है कि माल का उठाव ही नहीं है कहीं भी। दलाल जो बाहर के जो व्यापारी है, भोपाल के बोलो, होशंगाबाद के बोलो, ये साफ मना कर रहे कि भैया टमाटर मत लाओ। ऐसे में किसान क्या करेंगे अगर इसी यही स्थिति रही? स्थिति किसान की तो बहुत हालत ख़राब है, किसान तो परेशान हो गया, क्योंकि 20 रुपये कैरेट में बता रहा हूँ आपसे, 20 रुपये कैरेट की तो तोड़ ही है उसकी। अब किसान के पास में 10 रुपये कैरेट का भी पैसा नहीं आ रहा, अब मतलब बहुत परिस्थिति ख़राब है। किसान नुकसान में बहुत ज़्यादा नुकसान में बोले तो किसान ये मान लो आपके बर्बादी हो गया। सब्जी में पत्ता गोभी का उठाव नहीं है, टमाटर का उठाव नहीं है, मतलब बिक्री नहीं है कोई चीज़ की। अकरम जी, ये जो समस्या आ रही है क्या खासकर ज़्यादा उत्पाद हो गया है इस वजह से आ रही है? उत्पादन तो है ही, उसका उत्पादन सभी जगह हो गया, उसका कारण ये है कि माल जो है मार्केट में ज़्यादा पहुँच जा रहा है, उठाव नहीं है, और दूसरी चीज़ दूसरी फसल ज़्यादा आ गई, बटाना आ गया, बटाना भी सस्ता हो गया, बटाना चिल्लर बिक्री 20 रुपये किलो होगी, थोक में 15-16 रुपये किलो बिक रहे, तो ये क्या हो गया, नया हो गया बटाना, तो इसके वजह से भी मतलब बिक्री कम होगी। ये इससे पहले बैतूल में पत्ता गोभी के दाम कम होने से सैकड़ों किसानों ने पत्ता गोभी की फसलों को नष्ट किया था। कृषि प्रधान बैतूल जिले में स्टोरेज सुविधाओं का अभाव और बेहतर मार्केटिंग न होने से हर साल किसान भारी नुकसान झेल रहे हैं। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।